बंद कराना होगा, कराना होगा। नशा का सामान बिक्री बंद करना होगा, पुलिडी में हो रहे अवैध कारोबार को बंद कराना होगा, पुलिडी में हो रहे अड्डेबाजी को बंद करना होगा। लोगों, मुझे कल रात से पुलिडी पुराना मिडिल स्कूल के पास रहने वाली आदिवासी बहन और माताओं ने फोन करके बताया कि जो विद्यालय बंद हो चुका है, जहां पहले कक्षाएं चलती थी, अब वो खंडहर के रूप धारण कर लिया है। वहाँ अड्डे होते हैं नौजवानों के द्वारा, भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं, रोड में चलना मुश्किल हो गया है। नशा खुरानी का होलसेल मंडी बन गया है। ब्राउन शुगर, अफीम, गांजा, हीरोइन धड़लेस वहाँ बिक रहा है। डेली लॉटरी का कारोबार फूल रहा है। महिलाएं घुट घुट के वहाँ जी रही है। इनका कहना है कि हद तो तब हो गई जब वहाँ बहुत गंदे हरकत होने लगे, वहाँ लोग बाहर से लड़कियाँ ला के गलत काम करने लगे, तो इन्हें लगा कि अब हम लोग पुलिस के पास जाएंगे, इसकी शिकायत करेंगे। और अपराधी किस्म के आदमी, उनसे इनको डर भी लगता है। हमने इन्हें कहा, नहीं, हमें कानून में पूरा भरोसा, आप चलिए हम शिकायत करेंगे। अभी हम लोग शिकायत करने आए थे, थाना में मौजूद अफसर और अफसर इंचार्ज ने कहा कि हमारा नंबर लीजिए और हमें 24 घंटे में कभी भी फ़ोन कीजिएगा, हम 5 मिनट के अंदर वहाँ पहुँचेंगे और अपराधियों को जरूर पकड़ेंगे। महिलाओं ने कहा कि हाँ, मुझे भी पूरा विश्वास है कानून के ऊपर, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर पुलिस प्रशासन इसमें फेल होगा तो हम लोग नीचे के जो थानेदार फेल होंगे, हम लोग SSP साहब के पास जाएंगे, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होगी। तो आज महिलाओं ने कहा है कि जो घर में काम करने का सामान है, कल छोल छोलनी, बेलना, हरवे हथियार, डंडे जो है, उससे लेके महिलाएं खुद अपने क्षेत्र की रक्षा करेगी। क्या परेशानी हो रही है, मेरी दीदी से पूछिए क्या दिक्कत है। मैं स्कूल के सामने में रहती हूँ, वहाँ रोज देखती हूँ लड़के लोग बहुत ढेर सारा वहाँ आते हैं, नशा करते हैं, पीते हैं और बहुत गंदे गंदे गालियाँ देते हैं। एकदम स्कूल के सामने ही मेरा घर है, हम लोग खुद खुद डर डर कर रहते हैं वहाँ पर, कुछ बोल भी नहीं पाते उन लोगों को देख के, इतना सारा रहते लोग, हम लोग कुछ बोल भी नहीं पाते। चाची का दुकान है, चाची से क्या दिक्कत है, पूछिए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं। हम दुकान में बैठे रहते हैं, बच्चे लोग सब नशा करके दुकान के सामने में ही सब आते जाते हैं और गलत तरह के आपस में ही उन लोगों का बोल विचार मतलब सुनने लायक नहीं रहता है, जिससे हम बहुत परेशान हो गए हैं। हम चाहते हैं कि ये सब बंद लड़के लोग हैं हमारे और भी बच्चे लोग हैं, अगर ये लोग ऐसे ही करते रहे कंटिन्यू, कोई बाहर से लड़की ला रहा है 24 घंटा नशा पे धुत के रहते हैं, नशा के धुत में अगर आज अगर नहीं रोका जाएगा इसे, इसको कल को हमारे बच्चे के साथ भी यही हो जाएगा। एक दूसरे को देख के यहाँ बस्ती खराब होगा, हम लोग का निकलना बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो लोग अपना माँ बहन को भी नहीं पहचान पा रहे हैं, तो हम लोग को क्या पहचानेंगे, मेरे बच्चों को पहचान करके रहते हैं हम लोग वहाँ पर। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये सब चीज़ जो हो रहा है इसे बंद बंद हो जाए।